आज के तकनीकी युग में मनुष्य क्रोध, तनाव, भय और निराशा से घिरता जा रहा है। इसका दुष्प्रभाव हमारी कार्यकुशलता तथा व्यक्तित्व पर पड़ता है। विभिन्न क्रियात्मक एवं शक्तिशाली कौशल और तकनीक, योग, प्राणायाम, श्वास व्यायाम के द्वारा इनसे उबरा जा सकता है। मनुष्य के स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन के लिए व्यक्तित्व का विकास आवश्यक है। इसी उद्देश्य में निरंतर रत श्री श्री रविशंकर द्वारा संचालित संस्था आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा सत्संग एवं संगीत संध्याओं का आयोजन किया जाता है। इसी श्रृंखला में आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा होली सत्संग एवं संगीतमय संध्या का आयोजन 24 मार्च 2024 को प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल दयालबाग आगरा में किया गया। सत्संग का उद्देश्य मनुष्य को जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए रुचिरा ढल ने आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के अपेक्स मेंबर उत्तर प्रदेश बेस्ट द आर्ट ऑफ लिविंग डॉक्टर सुशील गुप्ता, निदेशक ट्रिल्यूट पब्लिक स्कूल, निदेशिका सुनीता गुप्ता, प्राचार्य अरविंद श्रीवास्तव, सुनील अग्रवाल पूर्व अपेक्स मेंबर, नीलू अग्रवाल पूर्व अपेक्स मेंबर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर नीता शरीन, प्रमोद झा एक्साइज कमिश्नर MP एवं समस्त उपस्थित भक्तजन का हार्दिक अभिनंदन किया। सत्संग के प्रारंभ में भजन गायन सुकुल श्रीवास्तव के द्वारा गणेश वंदना से आरंभ हुए। भक्ति रस से सराबोर भजनों ने सभी को आत्मविभोर किया। सत्संग के श्रवण से सभागार में उपस्थित सभी लोगों को परमानंद की अनुभूति हुई। अतिथि वक्ता डॉक्टर संगीता झा ने बताया कि जीवन पर तनाव से होने वाले प्रभाव से व्यक्ति अपरिचित रहता है। उन्होंने कहा कि जीवन में जो हम पाना चाहते हैं वह मिल जाता है, जो वह सफलता है, और इस सफलता को निरंतर चाहना ही प्रसन्नता है। उन्होंने ध्यान पर विशेष बल देते हुए कहा कि इनके निरंतर अभ्यास से भय, निराशा, क्रोध, तनाव, नकारात्मक दृष्टिकोण आदि को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा का विकास आसानी से किया जा सकता है। प्राणायाम के द्वारा ऊर्जा को सही दिशा की ओर प्रेरित किया जा सकता है। सत्संग का आनंद लेकर सभी ने प्रसन्नता पूर्वक एक दूसरे को चंदन का तिलक कर होली की शुभकामनाएं देकर फूलों की होली खेलकर सुंदर छटा बिखेर दी। सत्संग में उपस्थित होकर जनसाधारण से भक्ति रस का आनंद उठाया तथा आनंद प्रदान करने वाले क्षणों की अविस्मरणीय बनाया। डॉक्टर सुशील गुप्ता, एपेक्स मेंबर, यूपी बेस्ट। आर्ट ऑफ लिविंग एक अपने आप में सबसे बड़ा NGO है जो संसार की 180 कंट्रीज में है। इसमें जितनी शांति मिलती है मेडिटेशन करके, सत्संग करके, ये मैंने पिछले 2 साल में इसको महसूस किया है। पूरे यूपी को एपेक्स वेस्ट और एपेक्स ईस्ट पे बांटा है। एपेक्स वेस्ट में 7 एपेक्स मेंबर है यूपी वेस्ट में, और मुझे 5 डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, आगरा, झांसी, जालौन, फिरोजाबाद और ललितपुर। इन सब जगह BBC है और हम लोग BBC भी बनाते हैं। एपेक्स मेंबर बनने के बाद ये पहला होली के त्योहार पर ये सत्संग न्यू पब्लिक स्कूल में होगा है। मुझे बड़ी खुशी है कि इसमें आसपास के अलावा मध्य प्रदेश से भी लोग आए हैं और जो स्टेट पूरा देखते हैं। मुझे का एक एडवांस कोर्स बहुत अलग होता है और जो 12, 13 और 14 अप्रैल को यही प्रीमियर स्कूल में होगा। मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग आए और उसको महसूस करें कि वो कैसा एडवांस कोर्स है, क्योंकि आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में अब ये बहुत जरूरी हो गया है कि हम इस तरह के सत्संग, इस तरह के एडवांस कोर्सेस करें जिससे हमारी मन स्थिति ठीक रहे। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर संगीता झा और मैं MP की स्टेट टीचर्स कोऑर्डिनेटर हूँ और मैं यूपी में भी काम भी कर रही हूँ। काफी आगरा से मेरा काफी जुड़ाव रहा है और सुशील जी और भी उनके टीचर सबसे मेरा जुड़ाव है। और हम लोग जो जैसे अभी सुशील जी ने बोला एडवांस कोर्स के, आप लोग जरूर से आए। और एडवांस कोर्स की बस एक ही एलिजिबिलिटी है कि आपने सुदर्शन क्रिया जो है, हमारा जो गेम बुक है प्रोसेस, वो जरूर किया होना चाहिए। तो वो ही एक एलिजिबिलिटी है
और जब आप एडवांस कोर्स करते हैं तो ना थोड़ा ठहर जाओ, वो जो ठहरने गए ना, और आप देखेंगे कि उसमें मौन भी है, और मौन में आपको जितनी एनर्जी आप गेन करते हो ना, तीन चार दिन का होगा वो, आप एनर्जी गेन करके फिर आप फिर से दुनिया में आके अपने काम उतनी ही एनर्जी से, उतनी शिद्दत से, उतनी ही एंथुसियाज्म से आप कर सकते हैं। तो मैं भी सभी ग्वालियर पास ग्वालियर के से भी लोगों को लेके आऊंगी, और आगरा वालों से, और भी यूपी के जितने हैं आसपास के जिले, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो लोग जरूर से आए और इस एडवांस कोर्स का आनंद लें। और इतना बढ़िया यहाँ पर वेन्यू, इतना सुंदर है, ग्रीनरी, इस माहौल में आके आप जब ध्यान साधना करोगे ना, तो उस ध्यान की गहराई में आप एक अलग ही लेवल पे पहुंचोगे। तो आप लोग सभी लोग जिन्होंने सुदर्शन क्रिया सीखी है, अपना डेट को फिक्स कर लें, ब्लॉक कर लें, उन डेट्स में आपको यही आना है। थैंक यू, धन्यवाद।